देखिए आज कार्यक्रम की शुरुआत एक जबरदस्त न्यूज के साथ कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि पूरे देश की निगाहें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर टिकी हुई है, क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। शाम 6:30 बजे टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये मैच दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में खेला जाएगा और पूरे देश को टीम इंडिया से इस बीच गुड न्यूज की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत दावेदार है, लेकिन टीम इंडिया की दावेदारी भी कमजोर नहीं है, लिहाजा पूरा देश अपनी टीम को कह रहा है ऑल द बेस्ट। एक बार हम स्टूडियो से भी जरा कुड़ियों को ऑल द बेस्ट कह दें, तो कुड़ियों की तरफ से कुड़ियों को ऑल द बेस्ट। तो वर्ल्ड कप का मंच है, खिताब से टीम इंडिया महज 2 कदम के फासले पर है और सामना है वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से। महिला क्रिकेट टीम के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, और अगर आज बाजी मारी तो दुनिया कदमों तले होगी। और आंकड़ों के खेल में भले ही ऑस्ट्रेलिया आगे हो, आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले 5 मुकाबलों में से ऑस्ट्रेलिया ने 4 में बाजी मारी है। लेकिन क्रिकेट का मैच आंकड़ों से नहीं जीता जाता, क्योंकि हर मैच नया होता है। आज टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है। अब तक टीम इंडिया का मौजूदा वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन रहा है वो हौसला बढ़ा रहा है। निगाहें स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिक्स और शेफाली वर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर है, और अगर टीम इंडिया अपनी ताकत पर खेल गई तो फाइनल की टिकट पक्की। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि फिटनेस की वजह से ऑलराउंडर पूजा टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। और भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, और जब खेल का कैनवस बड़ा होता है तो मैच भी बड़ा होता है और दीवानगी और भी बढ़ जाती है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज भी एक बहुत बड़ा दिन है, यकीन मानिए बहुत बड़ा दिन है तमाम फैंस के लिए, क्योंकि आज भारत की महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच में भिड़ंत होगी, लिहाजा क्रिकेट प्रेमियों का जोश काफी हाई है। सबको उम्मीद यही है कि एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है, सबको देखने को मिलेगा। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का ये मानना है कि अगर अपनी ताकत पर खेल गई ना टीम तो किसी भी टीम को बड़ी आसानी से हरा सकती है। देखिए, सेमीफाइनल फाइनल एक ऐसा मैच होता है जहां पर आपको गलती करने का मौका नहीं होता, और यही कारण है कि आप अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं तो जो ज्यादा टीमें मेंटली स्ट्रांग होती हैं वही बेहतर करती हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, और जिस तरीके का टैलेंट है भारतीय टीम में और जिस कंसिस्टेंसी से भारत ये टूर्नामेंट खेली, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, लेकिन मुझे विश्वास है अगर अपने टैलेंट पे खेलेंगे तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो मैदान खेल का हो या फिर जिंदगी का, जीत बिना जज्बे के नहीं मिलती, और हौसले और जज्बे की ऐसी ही एक कहानी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये कहानी एक महिला क्रिकेट कोच की है जिनका नाम है जयश्री सरकार। 2020 में पता चला कि जयश्री को कैंसर है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न केवल कैंसर से जंग जीती बल्कि मैदान पर भी वापसी की। अब वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में ऑब्जर्वर हैं और कोच की भूमिका भी निभा रही हैं। जयश्री की कहानी सबके लिए एक मिसाल है। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती मैच का फैसला नहीं होता, और फिर जयश्री सरकार तो क्रिकेट गुरु हैं, ये कैसे हार मान जाती। जयश्री क्रिकेट को ही जिंदगी मानती हैं, पूरी शिद्दत से अपनी दुनिया में रमी थी, उभरते क्रिकेटर्स को कामयाबी की राह दिखा रही थी कि तभी कैंसर ने जयश्री की खुशनुमा जिंदगी में सेंध लगा दी। वो साल 2020 में नवंबर का महीना था जब कैंसर मुसीबत का पहाड़ बनकर जयश्री सरकार के सामने खड़ा था, लेकिन इस भीषण बीमारी को भी क्या खबर थी कि जयश्री की दुनिया में हार जैसा कोई शब्द है ही नहीं। मुश्किल वक्त ने कैंसर के रूप में बाउंसर डाला था, एक बारगी जयश्री बैकफुट पर गई जरूर, लेकिन ऐसा हुक मारा कि कैंसर चारों खाने चित था। जाहिर है कैंसर को मात देकर जयश्री जिंदगी की बाजी जीत चुकी थी, अब एक नई शुरुआत करनी थी,
लेकिन राह आसान नहीं थी क्योंकि शारीरिक रूप से जयश्री काफी कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने भी उन्हें क्रिकेट से दूर रहने को कहा, लेकिन जयश्री के लिए तो ये 22 गज की पिच किसी मंदिर के जैसी है। इसके बगैर जिंदगी की कल्पना करना भी जयश्री सरकार के लिए मुश्किल था। फिर क्या था, अपनों का साथ मिला और क्रिकेट की दुनिया में कोच जयश्री सरकार ने दूसरी पारी शुरू की। ऑपरेशन के पहले जब देखे थे और बाद में अब जब देख रहे हैं तो उसमें सब कुछ सेम है सिवाय ऑपरेशन के, क्योंकि मैम का मेंटल स्ट्रेंथ पहले भी जो था अभी भी वही है। उनका क्रिकेट के लिए पैशन या स्टूडेंट तैयार करने की जो इच्छा पहले भी थी जब हम लोग उनके पास प्रैक्टिस करते थे, अभी भी सेम है। साल 2007-08 में बंगाल के लिए क्रिकेट खेल चुकी जयश्री सरकार आज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की ऑब्जर्वर और कोच है। जयश्री उभरते क्रिकेटर्स को खेल के गुण तो सिखाती ही हैं, इनका खुद का अप्रोच भी इन क्रिकेटर्स को संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। जयश्री मानती हैं कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जिंदगी का, हालात कैसे भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की जो ऑब्जर्वर की भूमिका है वो भी निभा रहे हैं और फुल फॉर्म में क्रिकेट में लौट के आए हैं और चाहते हैं कि उनके हाथों से जो क्रिकेटर्स आगे बढ़े वो उच्च स्तर पर खेले, इंडिया के लिए खेले, बंगाल के लिए खेले और अच्छे करे और जीवन में कभी हार ना माने, कोई खेलने से पहले ही और किसी से जूझने से पहले ही। कैमरा में अर्गो घोष के साथ अनिर्बान, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। और चलिए बात रफ्तार और रोमांच से भरे खेल की कर लेते हैं, नाम है इसका आइस हॉकी। जी हाँ, सोचिए -20 डिग्रीज का तापमान है जिसमें 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल होगा। वहां पर आइस हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार खेल कैसे दिखाया बताइए जरा। बिल्कुल बताते हैं, दरअसल देखिए टूर्नामेंट का आयोजन लद्दाख के द्रास सेक्टर में किया गया। सेना और स्थानीय प्रशासन की पहल पर यह आयोजन हुआ है। जितना जोश खिलाड़ियों में था उतने ही जोश से भरपूर मुकाबले को देखने पहुंचे दर्शक भी। देखिए आप, -25 डिग्री सेल्सियस तापमान, बर्फ से ढकी वादियां और बर्फ के संगमरमरी फर्श पर रफ्तार का ये रोमांच किसी एडवेंचर से कम नहीं। काली पोशाक में सफेद बर्फ पर खेलते खिलाड़ी, यहां आइस हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है। तस्वीरें लद्दाख के द्रास की हैं। द्रास के भीमबाट में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। भारतीय सेना और द्रास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। भीषण सर्दी में भी खिलाड़ियों का जोश हाई है और यह हाई जोश पूरे मैच के दौरान दिखाई दिया। खेल के साथ ही फॉक सॉन्ग पर डांस कर प्रतिभागियों ने अपनी खुशी जाहिर की। लद्दाख के खेल प्रेमियों को हर साल इस आइस हॉकी टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। इतनी बर्फबारी के बीच खुले आसमान के नीचे हाथ हिलाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते इन दर्शकों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी में भारतीय युवाओं की दिलचस्पी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट में भारतीय सेना के जवान और लद्दाख के स्थानीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर लेते हैं सुरों के खिलाड़ी की। बिहार के इस लड़के के सुरों ने बॉलीवुड की हस्तियों को भी अपना मुरीद बना दिया है। क्या एक्टर, क्या गायक, सब बिहार के इस सिंगर की तारीफ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमरजीत जयकर की। अमरजीत की सुर इतने सधे हुए हैं कि मुंबई से गायकी का ऑफर तक मिल रहा है और ये ऑफर दिया है फिल्म कलाकार सोनू सूद ने। सोनू अपनी अपकमिंग फिल्म फतेह में अमरजीत को गायकी का मौका देना चाहते हैं। वैसे इन दिनों अमरजीत की सिंगिंग के वीडियोस सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए हैं। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, तेरी झलक असर से श्रीवल्ली में नाम दक बर्फी। गांव की गलियों से सीधे दिल तक उतरती आवाज, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए,
तेरे बिना खेत खलिहानों से सीधे रूह को छूती आवाज तो जिए कैसे हाय तेरे बिना। बिहार की माटी से निकली ये खूबसूरत आवाज। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। कल तक जो चेहरा गुमनाम था आज उसकी आवाज ही उसकी पहचान है। बिहार की माटी में पले बढ़े अमरजीत अब सोशल मीडिया के स्टार हैं। कल तक उनकी आवाज गांव तक सीमित थी, आज वो आवाज मुंबई तक गूंज रही है। अमरजीत अब हिट हो चुके हैं और उनको अब सोनू सूद की फिल्म में गाने का मौका मिल रहा है। सर से मेरी बातचीत तो नहीं हुई लेकिन सर के टीम से मेरी बातचीत हुई है। अच्छा। तो जी मैम, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया है। मैं हो सकता है तो मैं निकलूंगा 27 को। यानी कि अब आप सोनू सूद से मिलने के लिए जाएंगे 27 तारीख को और वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। आपने कभी सोचा था अमरजीत कि फिल्मों में इस तरीके से गाने का मौका मिल जाएगा, बिना किसी रिकॉर्डिंग के आप गाते हैं, बिना किसी फिल्टर के गाते हैं, बिना किसी स्टूडियो माइक के गाते हैं, कभी सोचा था कि ऐसे वायरल होंगे? नहीं मैम, मैंने नहीं सोचा था। और मुझे लग रहा है मूवी का नाम है फतेह, मुझे लग रहा है कि कुछ जरूर स्पेशल सॉन्ग होगा, तो मुझे बहुत खुशी मतलब हो रही है अंदर। अच्छा। कि मैं उस चीज को अच्छा से निभा भी पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं पूरा निभाऊं उस गाने के साथ, मैं पूरा ये करूं। अमरजीत की कहानी उनकी तरह ही बड़ी साधारण सी है। पिता का सैलून है, उसी की कमाई से घर का गुजर बसर होता है। पिता ने कुछ महीने पहले उन्हें मोबाइल खरीद कर दिया। मोबाइल से अमरजीत ने अपने हुनर को तराशा, अपने गुनगुनाए गाने वो सोशल मीडिया पर डालने लगे और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मैं तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने गाया था कल हो ना हो, तो सोनू सर ने लाइक किया था, लेकिन ये भी नहीं मुझे पता था कि वो पोस्ट करेंगे और सोनू सूद सर और नीतू चंद्रा मैम ये इतना मेरे को वो करेंगे। सोशल मीडिया पर अमरजीत के लाखों फॉलोअर हैं और अब गांव की गलियों से निकलकर अमरजीत मुंबई के सफर पर निकल रहे हैं। सोनू सूद की फिल्म में वो गाना गाएंगे। ऐसे वक्त में उन्हें अपना रियाज और अपनी मेहनत दोनों याद आ रहे हैं। मैं तो छत पे जाके रियाज करता था, फोन का तानपुरा लेके मैं चला जाता था वहाँ रेलवे स्टेशन के पास। जैसे हमारे एक चौर बोलते हैं, बहुत बड़ा खेत होता है, ठीक है। हाँ। वहाँ दूर दूर तक कोई कुछ नहीं सुन पाता है, तो मैं उधर जाके रियाज करता था, उधर ही वीडियो बनाता था। सोशल मीडिया में शोर शराबे के बीच अमरजीत ने अपना रास्ता बनाया है। अमरजीत की कहानी उन लाखों टैलेंटेड लोगों के लिए ऐसी प्रेरणा है जो अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। अमरजीत अपनी आवाज के साथ नए सफर पर निकल रहे हैं और दुआ यही है कि बिहार के गांव का लड़का बॉलीवुड में अपने सुरों का परचम लहरा कर लौटे। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, गुड न्यूज टुडे। एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। बात कर लेते हैं कामयाबी की उस दास्तां की और मिलवाते हैं आपको उन तमाम लड़कियों और महिलाओं से जिन्होंने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर नया इतिहास रचा, जो शायद आदिवासी समाज के भीतर बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। जी, दरअसल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में छऊ नृत्य अब महिलाएं भी कर रही हैं और बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं को नृत्य करने के लिए अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं और ये इसीलिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि करीब 200 साल से पुरुष ही ये नृत्य कर रहे थे। इन भाव भंगिमा पात्रों और मुखौटों से आपके लिए कभी ये समझना मुश्किल नहीं रहा होगा कि महिषासुरवध की कहानी है। हालांकि इस नृत्य को करने वाले कलाकारों को शायद ही आप कभी पहचान पाए। बंगाल के इस पारंपरिक छऊ नृत्य को अब तक पुरुष कलाकार ही करते आए हैं। पूर्णिया में ये पहला मौका है जब पुरुषों की जगह महिलाओं ने छऊ नृत्य किया है। परंपरा से उलट ये अवसर पाने के लिए लंबे समय से महिलाएं संघर्ष कर रही थी। पिछले 150-200 सालों से इसे पुरुष कलाकार ही करते आए हैं। सबरपारा गांव की रहने वाली इन लड़कियों और महिलाओं को छऊ नृत्य करने का मौका मिला तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आदिवासी मुंडा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली इन बच्चियों ने वो भी किया जो छऊ नृत्य में कभी नहीं देखने को मिलता। इन बच्चियों ने अपने मुखौटे उतार कर विजयी मुस्कान भी दिखाई, इसकी वजह भी है। हमारे मन छो सब तमाम शुरू करा पाची हमारा ही पार्ब ना मे गा अनेक मे पार्टी कर तमरा बोली सोनाच दल तैरी कर कि भावे एमने सूधे टाका नहीं तैरी कर गरीब मानुष तो
ये महिलाएं अब तक बंगाल और झारखंड के कई हिस्सों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। गांव में रहने वाले रवि ने इस ग्रुप की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंपराओं को तोड़ने की मुहिम में वो इन महिलाओं के साथ खड़े रहे। देखिए तो हम लोग 10-15 आदमी, हम पहले हम लोग पुरुष लोग कमेटी किया है, कमेटी के बाद हम लोग खुद अपने सिद्धांत लिया है, जो हम जो हम लोग को जो बच्चा है हम लोग को फैमिली, तो हम जो छोटा डांस करेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है हम लोग के बारे में। पुरुलिया में महिलाओं ने मेहनत और चुनौतियों को पार कर नया इतिहास लिखा, अपनी सोच और बुलंद इरादों से छऊ नृत्य की नई पहचान बनाई है। नृत्य कला का एक पुराना नियम है, जब तक किरदार मंच पर है तब तक कोई भी किरदार अपना चेहरा दर्शकों को नहीं दिखाता, लेकिन इस नियम को इन महिलाओं ने तोड़ा है। कला के अंत में वो लोग अपने चेहरे दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि इनके पीछे का चेहरा दरअसल कौन है, और इस लंबे लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने काफी मशक्कत और वक्त ली है, और ये पुरुलिया के अन्य महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक आशा की नई किरण है। कैमरा पर्सन पोषण के साथ ऋतिक, पुरुलिया से जीएनटी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आस्था का रंग। जी हां, महाशिवरात्रि बेशक बीत चुकी है लेकिन देश के कई शिव धामों में शिव नाम का उत्सव चल रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री कालहस्ती मंदिर में महाशिवरात्रि पर शुरू हुआ कार्यक्रम अभी भी जारी है, और महादेव के दर पर विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। जंग से जूझ रहे यूक्रेन से श्रद्धालुओं का एक दल तिरुपति पहुंचा है और इसमें शामिल लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और भारतीय परंपराओं को भी समझा। शंख की ध्वनि से गूंजती आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर की सभी दिशाएं, जहां श्रद्धा और प्रेम में डूबे श्रद्धालु महादेव के आगे शीश झुकाए खड़े हैं। कहते हैं कंकर कंकर में शंकर हैं और भारत वो दिव्य धरा है जहां के कणकण में भगवान का वास है, और इसी दिव्य एहसास को महसूस करने के लिए यूक्रेन से सैलानियों का एक जत्था आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचा। असल में आंध्र प्रदेश में तिरुपति के श्रीकालहस्ती मंदिर में इन दिनों महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है और ये विदेशी मेहमान इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान इन महिलाओं ने मंदिर में परिक्रमा की और महादेव के जयकारे लगाए। इस बीच जैसे ही भगवान की दिव्य सवारी निकली तो कुछ विदेशी मेहमान पालकी को अपने कांधे पर उठाए दिखे। इससे पहले मंदिर प्रशासन की तरफ से इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया, साथ ही इन्हें महादेव के इस धाम का ऐतिहासिक महत्व बताया गया। दक्षिण भारत में स्थित भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में श्रीकालहस्ती मंदिर का विशेष महत्व है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भगवान शंकर के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए खिंच चले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। मौका था खजुराहो में जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय आदि व्रत के लोकार्पण का। देखिए, इस खास मौके पर शिवराज सिंह चौहान लोकगीत संगीत पर जमकर थिरके, डांस के साथ उन्होंने ढोल भी बजाया। सांस्कृतिक गांव आदिव्रत के पहले चरण में 7 जनजातियों के गांव में जीवन शिल्प और कला को यहां पर दर्शाया गया है। Thank you.
चलिए अब आपको दिखा देते हैं बिजली बनाने का अनूठा तरीका, जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि तरीका ये है जितना कूदोगे उतनी बिजली बनेगी। और बिजली बनाने का एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है एक एनर्जी कंपनी। बिल्कुल, आपको बता दें कि कंपनी का दावा है कि उनके बनाए गए टाइल्स पर आप जितना जंप करेंगे उतनी ज्यादा बिजली पैदा करेंगे। दावा यह भी है कि आने वाले वक्त में ये इलेक्ट्रिक टाइल्स देश की सस्टेनेबल एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में काफी हद तक मदद कर सकती है। जितना आप जंप करेंगे उतनी बिजली पैदा होगी, यानी अब पर्यावरण को बचाने में आपका सीधा योगदान होगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर आई है एक एनर्जी कंपनी, जिसने प्रदर्शनी के लिए ग्रेटर नोएडा में आयोजित इलेक्ट्रामा 2023 में एक जोन बनाया है और नाम दिया है ग्रीन योद्धा। 12 इलेक्ट्रिक टाइल्स के इस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी 30 सेकंड तक जंप करके 2.5 वाट क्लीन एनर्जी बैटरी में स्टोर कर सकता है। कोई इंडिविजुअल जंप कर रहा है तो एक क्लीन एनर्जी जनरेट हो रही है और हर जंप में 2.5 वाट की एनर्जी जनरेट हो रही है। हर बार इंडिविजुअल के जंप में 2.5 वाट की एनर्जी जनरेट हो रही है 30 सेकंड के अंदर। ये सारी एनर्जी जब जनरेट होती है वो हमारी बैटरी को पावर करती है और वो बैटरी फिर कोई इंस्टीट्यूशन या एनजीओ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देंगे, जिससे वो लाइटिंग, फैन, पंखे या कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। कंपनी की इस शानदार पहल से कोई भी संस्थान, दफ्तर या कॉरपोरेट कंपनी अपने लोगों की बदौलत अपनी बिजली की डिमांड को पूरी कर सकता है। इसके लिए ना तो सूरज की जरूरत है, न पानी और न ही हवा की, बस आपको इन टाइल्स पर उछलना है ताकि इंडिया सस्टेनेबल बन सके। तो हमारा इनिशिएटिव है जिससे हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट बॉडीज, सब लोग अपना एक रोल प्ले करें इंडिया को सस्टेनेबल बनाने में। इस कॉन्सेप्ट को जो भी समझ रहा है इसकी सराहना कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेस होता है तो इसका भविष्य काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि भविष्य में इसे रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर या उन सभी जगहों पर लगाया जाए जहां भीड़ ज्यादा रहती है। अगले एक साल में हमारा प्लान है कि देश के विभिन्न भागों में हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाएंगे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो, जहां भी पब्लिक गैदरिंग काफी होती है। हमारा एम है कि इंडिया को ज्यादा अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, इंडिया में सस्टेनेबिलिटी के अराउंड कैसे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें, ताकि हर इंडिविजुअल, हर भारतीय मान सके कि उसका एक रोल है देश को सस्टेनेबल बनाने में। पूरी दुनिया के कदम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कॉन्सेप्ट काफी कारगर साबित हो सकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है आम लोग की हिस्सेदारी तय करने के लिए। मतलब एनर्जी सेविंग की हम बात करते हैं, ऐसे में आप भी आगे आ सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से तय कर सकता है एनर्जी सेविंग की तरफ। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। और चलिए बात कर लेते हैं कैंची धाम की। नीम करौली बाबा के इस धाम को श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक बनाने का बीड़ा उत्तराखंड सरकार ने खुद उठाया है। इसके लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार की योजना है कि धाम में मेडिटेशन सेंटर, फूड कोर्ट और विश्राम गृह विकसित किया जाए। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र में दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ सुविधाओं के विस्तार का फैसला किया है। नैनीताल जिले में कुदरत की गोद में बसे आध्यात्मिक ऊर्जा के अलौकिक केंद्र कैंची धाम के विकास और उत्थान का बीड़ा उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उठा लिया है। 20वीं सदी के चमत्कारिक संत परम पूज्य श्री नीम किरौली बाबा का धाम आज दुनिया के मुख्तलिफ धर्मों के अनुयायियों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। मानसिक शांति की खोज और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए यहाँ के सीमित संसाधन कई बार दम तोड़ने लगते हैं। यही वजह है कि कैंची धाम के मास्टर प्लान की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रशासन ने उस मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लगभग 6 महीने से चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 8 महीने पहले इसकी घोषणा की थी, तो उसी
कड़ी में ये सारा डेवलपमेंट हमारा हो रहा है और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रूप भी लेगा। हम कभी उसमें ये भी नहीं चाहेंगे कि उसमें मंदिर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। मंदिर जिस रूप में है उसमें जितने भी यात्री आने जाने वाले लोग हैं वो उसको वहां से बाहर से ही देख सके। कैची धाम के उत्थान के लिए धामी सरकार ने फिलहाल 60 करोड़ का बजट पास किया है। इसके लिए सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। धाम पर 500 से 1000 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। विश्राम गृह, मेडिटेशन सेंटर, फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर, भवाली स्थित गोलू देवता मंदिर का भी विकास होना है। दरअसल कैंची धाम आकर श्रद्धालुओं को परम शांति की अनुभूति होती है। कैंची धाम के परम पूज्य संत नील किरोड़ी बाबा के बारे में कई विस्मयकारी चमत्कारिक कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम की यात्रा कर चुके हैं। जुकरबर्ग ने माना था कि कैंची धाम जाने और वहां दो रात बिताने के बाद उनकी तकदीर बदल गई। दिलचस्प ये है कि जुकरबर्ग को कैंची धाम जाने की प्रेरणा एप्पल के चेयरमैन मरहूम स्टीव जॉब्स से मिली थी जो 90 के दशक में यहां आए थे। लीला सिंह बिष्ट, कैंची धाम, गुड न्यूज टुडे। प्रभात छात्रों की आस्था की बिहार बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। छात्रों ने पूरी तैयारी और लगन के साथ परीक्षा भी दे दी है। उन्हें खुद पर तो भरोसा है लेकिन ईश्वर पर भी आस्था है, लिहाजा अच्छे परिणामों के लिए हजारों छात्र छात्राएं मंदिर पहुंच गए हैं। वैसे ये हमने भी किया है। खबर देखिए, ये आई है बिहार के दरभंगा से सामने, जहां श्यामा माई मंदिर में बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद भारी तादाद में छात्र पहुंच गए। मंदिर में माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया और सबकी दुआ एक ही है कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। माँ के आशीर्वाद के लिए आई इस भीड़ को जरा देखिए। इस भीड़ में आपको सिर्फ छात्र और छात्रा ही दिखाई देंगे। कई अच्छे नंबर की मन्नत मांग रहे हैं तो कोई पास कराने की मनोकामना। दरअसल बिहार बोर्ड के इम्तिहान के खत्म होने पर दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा हो गई ताकि अच्छे रिजल्ट के तौर पर माँ का आशीर्वाद मिल जाए। माँ से मन्नत मांगे हैं कि हम अगर अच्छे पास अंक के पास हों फिर हम दर्शन करने के लिए आए। माँ से हम यही मांगे हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट अच्छे अंक से नंबर प्राप्त कर पाऊँ तो फिर से मैं माँ श्यामा माई की मंदिर प्रसाद चढ़ाना। कई बच्चों का कहना है कि एग्जाम तो अच्छा रहा मगर माँ का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है। एग्जाम तो बहुत अच्छा था, अब नंबर देने वाले के ऊपर है और माँ का आशीर्वाद की जरूरत है। बिहार में 14 फरवरी से ही बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई थी जिसमें 16 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। बच्चों को भरोसा अपनी मेहनत पर भी है लेकिन माँ के आशीर्वाद पर भी उतना ही विश्वास है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय पर चर्चा वाला ये सफर सुपर फास्ट है इसलिए वक्त कब और कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब आप ये कह रही हैं श्वेता कि अब हमारे चलने का वक्त हो गया है तो फिर चलते हैं। जी हाँ, देखिए इसे जाना नहीं कहते, इसे ब्रेक लेना कहते हैं। आज के लिए ब्रेक ले रहे हैं ताकि कल चाय वाली चर्चा में फिर से मिठास खोलने वापस आ सके। बिल्कुल ठीक कहा शगुफ्ता ने, क्योंकि हमारी चाय खास होती है और खबरें भी खास होती हैं और हमारा रिश्ता तो खास है ही, तो कल चाय के साथ खबरों का नया चैप्टर फिर से खोलेंगे और होगी रिफ्रेशिंग चाय, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे रिफ्रेशिंग खबरों के साथ। तो कल मिलेंगे 4 बजे चाय पर चर्चा में, ओनली ऑन गुड न्यूज टुडे।